हेलो गाइज, गुड इवनिंग गाइज। आज का ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ गाइज। आज का ब्लॉग यही है कि गाइज आज हमारे जो भाई है, दोनों भाई, अभी इनका टीम नहीं आया हुआ है जो खेलेंगे हॉकी, तो गांव का हॉकी आपको दिखाते हैं गाइज कैसा है। गांव का बच्चे हॉकी खेलते हैं कैसे। ये हॉकी का पहला प्रयास शुरू हो रहा है, जो दंदे बिक कर पता करता है कि कौन बनेगा चोर या कौन बनेगा खेलेगा। तो इसका आदर्श के वहाँ पर गया और आदित्य का देखते हैं कहाँ पर जा रहा है और किसका आगे गया जी बोलो तो आदित्य बन गए एक चोर। अब इसको दिखाते हैं कितना दौड़ाता है सब तीनों मिलकर। पहले अभी तीनों आए हैं और आएंगे लोग, देखते हैं वीडियो। तो आदित्य यहीं से बिगने वाला है बॉल और देखिए कैसे इसको घुमा घुमा कर दौड़ाता है सब। और मिस हुआ बॉल, एक फिर मिस कर दिया दर्श। खेल ही रहे हैं तो इतने समय सोचे कि और कुछ ब्लॉकिंग कर दिया जाए। तो गाइज वहाँ पर देखिए, वहाँ पर कितना खेत में पानी पटा हुआ है, उसी कारण बकला सब आ गया खेत में। पता कि भैया आ गए खेत में, तो सब बच्चा दौड़ रहा है कि भैया वीडियो बनाएंगे। चलिए इन सब का वीडियो बना लेते हैं। तो सब आया अभी क्लास करके, नहीं क्लास साग खुद नहीं आया हुआ है, देख सकते हैं सब। छोटू, नंदनी, आयुष और चांदनी आप आ गई, तो सब मेरे भाई हो अबाने तो आए हैं खेत में, तो शूटिंग की और वीडियो दिखाए। तो सब हंसने के मजाक ही उड़ा रहे हैं कि भैया वीडियो बनाए। प्यारा प्यारा सा बच पड़ी हॉकी खेलने आया है, नहीं खेलेगा काय के लिए, खेल लो। काश नहर के व्यू दिखाएंगे गाइज, तो बने रहे मेरे वीडियो। तो गाइज नहर पर पहुँच ही चुके, बस यहीं पर पास ही में नहर पहुँच गए गाइज। देखिए तो नहर कुछ खास करके नहीं है, तब भी मेरे बचपन का मुझे आज सब भागे चला गया घर पे, नहीं है कोई यहाँ पर, देख सकते हैं गाइज कोई भी नहीं, एक भी नहीं बंदा। तो गाइज यही जगह है जहाँ हम बचपन में अधिकतर समय बिताया करते थे गाइज, जो यही बगीचा है जो मतलब बचपन में यहीं पर समय बिताया करते थे गाइज, यही सब बगीचा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे पर इसमें थोड़ा कमी पेड़ पौधे हैं आजकल। सब मेरे उम्र के बच्चे तो सब बड़े हो गए पर सब इन सब का राज है। और उसको देखिए कितना स्माइल कर रहा है, अरे तो गोलू तो सब पर बात हंसे करते हैं। उसका नाम क्या है, कहाँ पर आए तू खेलने आई रोहित का बगीचा, जो बचपन में हम लोग यहीं पर अधिकतर समय बिताया करते थे गाइज। और ये जो है सब बच्चों का विराज चल रहा है, हम लोग का तराज खत्म हो गया गाइज, तो अभी सब बच्चे ही खेल रहे थे सब। इस सब पहले बहुत सा घना घना था, अब ताज में पेड़ पौधे बहुत सब कट गए। तो यहाँ पे पेड़ था जामुन का और यहाँ पर एक गिलर का पेड़ था और यहाँ पर एक और आम का पेड़ था और मेरा वहाँ पर मेरा भी एक गाछ हुआ तो करता था, क्या चीज़ का याद शायद नहीं है, अच्छे करता था। और यहाँ पर मेरे गांव के सभी बच्चे जो मेरे उम्र के थे तो वो सब यहीं पर आते थे और इसी बगीचे में आम के पेड़ पर कुछ भी फल फूल को मिला कर खाते थे। और यहीं पर कबड्डी हो या मैच हो, उसका लुका छुपी हो या जितना से खेल था वो सब हम लोग यही बगीचे में खेलते थे गाइस। और सभी यहीं पर बैटिंग करते थे और यहाँ से बैटिंग हो रहा था और वहाँ पर वहाँ लड़का है बैट लिया, वहाँ से बॉलिंग हो रहा था। अभी वही से ही खेल रहा है, वो भी वहीं से बॉलिंग कर रहा है, यहीं से वहीं बैटिंग खेल रहा है। और ये सब खेत है चारों ओर, एक पुआल रखा है कि गाँव में सब ऐसे ही होता है, बगीचे में सब पुआल वाल रखते हैं लोग। और शाम के समय हो चुका है और सब बच्चे अभी डर नहीं रहे, बगीचे में है, ना जाने कब घर जाएंगे, देख सकते हैं। तो ब्लॉग बनाने का बचपन से ही शौक था पर बना रहे हैं, ऐसे अब कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग और ऐसे हर जगह का दिखाएंगे ब्लॉग। ऐसे भी कल हम जा रहे हैं मोतिहारी का, तो मोतिहारी जाएंगे तो मोतिहारी का कुछ मेरे रूम में जो स्टूडियो मेरा तो उस तरह का भी ब्लॉग दिखाऊंगा। और मेरा पर 15 तारीख को मेरे भाई का बर्थडे है, मेरे मम्मा का लड़का का बर्थडे है, उस ब्लॉग का भी शूटिंग करूँगा और सब आपका सीन दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।
गाइज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दे गाइज प्लीज़।